कभी कभी कुछ पैसेंजर ड्रिंक किए हुए मिलते हैं तो हमको डाउट होता है कि वो आगे जाके पैसा देगा कि नहीं, फिर कभी मार के हमारा ही छीन लिया तो भरोसा नहीं। थर्टीन ईयर्स हो गया मुझे ऑटो चलाते हुए। तो मोस्टली गाड़ी 22, 23, 24 दिन चलती है। स्वतःची रिक्षा असेल तर आम्ही लेट नाईट पण चालू शकतो, 10 वाजेपर्यंत, 11 वाजेपर्यंत, आणि भाड्याची रिक्षा असल्यामुळे आम्हाला 8 तासात ड्यूटी करावं लागते। तो मंथली कभी 15,000 भी होता है, कभी अगर अच्छा भाडा मिला तो 20,000 भी जाता है, या कभी 10,000 भी होता है। का पहिला मी उठतो तर गाडी धू स्वतः, आम्ही माझी स्वतःची गाडी असल्यामुळे आम्ही स्वतः धुतो, कोणाला मी सांगत नाही, आणि आम्हाला गाडी क्लीन लागते। तो तीन लेडीज ऑटो रिक्शा ड्राइवर्स है, मॉर्निंग 8 से लेके इवनिंग 7 तक बस चलाते, रिक्शा रात को नहीं चलाते। कुछ लोग रिस्पेक्ट देना नहीं जानते, औरत है तो उसका मिस यूज करना की सोचते हैं। रिक्शा वाले को एक सही तरीके से नहीं बुलाते हैं, ए रिक्शा इधर आ, ए रिक्शा चल लेके चल, फटाफट भगा, ऐसे ऐसे लोग बोलते रहते हैं। तो भी अपने को कंट्रोल करना पड़ता है, सुनना पड़ता है। दारू पीऊन की बोलता इकड़े या साइडला चल, आणि एकदा गल्ली गोळ जातात आणि मारतात। कभी कभी कोई जबरदस्ती भी बैठ जाता है। देखो मैंने ना नेवी का फर्स्ट ईयर एंड सेकेंड ईयर कोर्स किया था 10th स्टैंडर्ड होने के बाद। तो दैट टाइम 2004 में मेरे डैड के पास इतने पैसे नहीं थे। BSc में एडमिशन लिया, लेकिन मेरी इंग्लिश इतनी कमज़ोर थी कि जब मैं कॉलेज में जाता था BSc की, तो मैं एक अंगुली लगा के बैठता था, टीचर आता था लेक्चर दे के चला गया, या तो बोलता था पन्ना पलटू, मैं तो अभी एक ही लाइन पे लगाया हूँ। जॉब के लस था कुटला पन्ना सब जो भेटे तो जॉब के लस। रिक्शा वाले भी एक इंसान है, यू नो, उसको भी बीवी है, बच्चे है, उसको भी रिक्शा से उतरने के बाद अपनी फैमिली को सिक्योर करने के लिए कुछ करना है, या उसको भी कुछ पर्सनल काम हो सकते हैं, टॉयलेट बाथरूम उसको भी आता है इधर उधर जाना। आम्हाला तर ए रिक्शा वाले चल इधर चल, ए असं गाली गलो देऊन आम्हाला नेतात, तर तसं न करता जर आम्हाला आम्हाला जर प्रेमाने जर बोललात तर आम्ही पण तुमच्यावर प्रेमाने बोलून आम्ही पण तुम्हाला चांगली सर्व्हिस देऊ। अगर सब लोग ओला उबर के पास भागेंगे की नॉर्मल पब्लिक की सेवा कोण करेगा? तर रिक्षावाल्यांना कमी दर्जा दिला जातो आताच्या ह्याच्यामध्ये। रिक्षा लाइन मध्ये असं कोणी ससा का येऊ शकत नाही। अभी एक पैसेंजर मिली लेडीज, यहाँ वहाँ उसने गई लेफ्ट राइट सब जगह घूमी, फिर जो होटल में वो खाने बैठी, आइए आप भी खाइए बैठिए, बोला नहीं मैं नहीं जा सकता, बोले चलिए कोई बात नहीं, रिक्शा वाला है तो वो भी जा सकता है, इंसान है वो। तो हम लोग साथ में बैठे कॉफ़ी शॉप में कॉफ़ी पिए, फिर हमको मलाड जाना था, उनको हाइपर सिटी अपना इन ऑर्बिट है वहाँ ड्रॉप किया, कोई टेंशन नहीं।